हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैसेंजर से आप जो है लॉग आउट होकर दूसरा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं। क्यों ना कि मैसेंजर पे किसी भी जगह पे आपको जो है वो लॉग आउट का देखने को नहीं मिलता। जस्ट जो है अगर आप मैसेंजर पे लॉग आउट होकर अपना दूसरा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं, वीडियो बहुत ही छोटी सारी है। अगर आप भाई जाना चाहते हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और उसके साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर हम अपना बिना वक्त जाके चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सिंपली आप भाई ने अपने जो है मैसेंजर को ओपन कर लेना है। मैसेंजर को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस देखने को मिल जाएगा। आपके मैसेंजर पे जो डीपी लगी हुई है उसका आइकन ऊपर देखने को मिल जाएगा, आपने उस पर क्लिक करना है। आप भाई जिस तरह उस पर क्लिक करते हैं तो इधर आपको जो आपकी मैसेंजर है वो देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप भाई दूसरा अकाउंट लॉग इन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको स्विच अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो जस्ट आप स्विच अकाउंट कीजिएगा। आप जिस तरह स्विच अकाउंट करते हैं तो इधर आपको जो है आप दूसरा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं मैसेंजर का वो देखने को मिल जाएगा। जैसा कि नीचे ही आपको एड अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने इधर एड अकाउंट पे क्लिक करना है और आपने अपना ईमेल और पासवर्ड उसे टाइप करके ऐड कर देना है। तो इस तरह आप भाई जो है अपने मैसेंजर का दूसरा अकाउंट जो है वो अपने मैसेंजर पे ओपन कर सकते हैं। तो पहले इसमें जो है आपको किसी किस्म का कोई भी लॉग आउट नहीं करना, जस्ट आपने अपनी पिक्चर के आइकन पे क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको स्विच अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपने इस पे क्लिक करना है। आपको नीचे ही एड अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस मेथड के जरिए आप अपना दूसरा अकाउंट जो है उसे लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप भाइयों के पास दूसरा अकाउंट जो है वो नहीं बना हुआ तो नीचे ही आपको क्रिएटेड न्यू अकाउंट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप इधर क्लिक करके जो अपने मैसेंजर का दूसरा जो नया अकाउंट है उसे भी बना सकते हैं। होप आप भाई को समझ लगी होगी। जस्ट एक छोटी सी सेटिंग है जिससे अपना जो अपना पहला मैसेंजर का अकाउंट लॉग आउट करके अपना दूसरा मैसेंजर का अकाउंट जो है उसे किस तरह लॉग इन कर सकते हैं। होप आप भाइयों को समझ लगी होगी। फिर भी आप भाइयों का और कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर शेयर भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप भाइयों ने अपना ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।